वेलकम जी, खुशामदीद कहते हैं। और आज मिसेस ज़िक्रिया हमारे साथ हैं और बहुत सारे टोटके आपको बताएंगी। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस हवाले से आज हमें हमारी ज़िंदगी आसान करने जा रही हैं। गर्मी के मौसम में हमारे खासकर पंजाब में इमली आलू बुखारे का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, वो बढ़ जाता है। शक्कर और सत्तू का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये शरबत पानी हमारे घरों में बहुत पिया जाता है। हमारे जो खून का एसिड लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। नमकियात, ये गूंद का तीरा क्या होता है? ठंडा करता है। अच्छा, ये हमारे स्टमक को एसिड लेवल हमारा बैलेंस करता है, ठंड देता है बहुत ज्यादा। ये गूंद है, दरख्तों से लेते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये थोड़ी सी डालें, फूल जाती है, ठीक है। हमारे घरों में तो बहरहाल ये सारी चीजों का जो है वो मेरे बच्चों को आदत है, हमें आदत थी। चाहे खवातीन है चाहे मर्द है, जिन लोगों का ये प्रॉब्लम है कि गर्मी के अंदर भी स्किन ड्राई रहती है अल्ट्रावायलेट रेज से, धूप में रहने की वजह से, जॉब ऐसी मजबूरी है, जारी सी बात है। बेकिंग पाउडर, अच्छा, जो घरों में हम लोग बिस्किट्स वगैरह, और उनकी बेगम बड़ा नाराज हो जाएंगी, आप मेरी चीजें जाया कर रहे हो। अच्छा जी, बेकिंग पाउडर बहुत सस्ता सा टोटका है, और ऑलिव ऑयल, ठीक है। जैतून का तेल थोड़ा सा ले, हाथ पे बेशक ले ले, जिस तरह से क्रीम वगैरह, लेकिन ये रात को लगाना है। हाँ जी बिल्कुल, फेस वॉश कर लिया शाम में, अच्छा। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लें, जस्ट लाइक 5 to 6 या 8 या 10 ड्रॉप्स, ज्यादा नहीं, यानी कि जस्ट लाइक बहुत कम के पूरे फेस पे फैल जाए, एंड उसके अंदर जो है वो एक चुटकी सिर्फ बेकिंग पाउडर डाल, उसको मिक्स करके उसको मसाज फेस पे करें। ये 3 to 4 मिनट में जो है वो स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा, तो इनकी ये विद इन 1 week जो है इनकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अच्छा। तो जितनी देर ये गर्मी का मौसम है ये गर्मियों में यूज करें इसको, सर्दियों के अंदर इंशाल्लाह ताला मेरा आना जाना रहेगा तो सर्दियों के हवाले से इंशाल्लाह ताला मैं फिर टिप बताऊंगी कि जिन लोगों की सर्दियों में, क्योंकि वो और प्रॉब्लम होती है। लेकिन गर्मियों के हवाले से, गर्मियों के हवाले से जिन लोग बेकिंग पाउडर और ऑलिव ऑयल, इतनी महंगी से महंगी क्रीम्स एक तरफ, और ये छोटा सा माइनर सा टिप एक तरफ। अच्छा चलिए, आप आजकल जो गर्मी के हवाले से जो स्किन टाइप, डिफरेंट स्किन टाइप्स होती हैं, उसके हवाले से आप हमें बता रही हैं। एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मेरे वैसे तो इनहेरिटेंस में भी ये चीज़ है कि आंखों के नीचे ब्लैक मेरे सर्कल्स वगैरह हैं, मगर गर्मियाँ जब आती हैं तो वो ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, फटीक की वजह से भी, गर्मी की वजह से, थकावट की वजह से, जब आप काम कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या ऐसी चीज़ है जो आप लगाएं तो आसानी से कम? बहुत ज़बरदस्त, ये भी टिप, हाँ, जो भी मैं टिप बताती हूँ मैं पहले बताती हूँ कि 20 साल से आपको बताया मेरा पार्लर है, सैलून है, तो ये वो टिप्स हैं जो मैंने बताए, आजमूदा है, मैंने बताए हैं और लोगों ने यूज किए हैं, और यानी कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ना छन्नी में चांद के सामने आए हुए हैं। सुबह जैसे आप सो के उठी हैं, आप अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से मस लें, ठीक है, कि आपकी हथेलियां गर्म हो जाए। ये जिन लोगों के फाइन लाइंस, नहीं हथेलियों को मसलना है, हाथों को नहीं, अच्छा, सिर्फ हथेलियों को आपने मसलना है, ठीक है। तो जिन लोगों की फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, या वक्त से पहले रिंकल्स आ रही हैं, या बहुत ज्यादा जो बच्चे, जो खवातीन जागती हैं, स्टडी करती हैं, या बच्चों के साथ पफी आईज हो जाती हैं, फैट बॉल्स बन जाते हैं, पैड्स जिसको फैट पैड्स कहते हैं, राइट, हाथों को अच्छी तरह मसलें कि बिल्कुल गर्म हो जाए, ठीक है, हथेलियों, ठीक है, ठीक है। तो वो वाली जो हीट है आप अपनी आईज के अंदर एब्जॉर्ब, अच्छा, हाँ जी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो तेज होगी, ओके, क्योंकि यहाँ पे महंगे से महंगे एक्सपोर्ट क्वालिटी के इम्पोर्टेड लोशंस भी आए, आईजोन जेल्स भी आई, इतनी इतनी महंगे इस्तेमाल करने के बाद भी खवातीन की प्रॉब्लम वहीं की वहीं थी। ये टिप एक बहुत जबरदस्त है। और दूसरे नंबर के ऊपर आप 1 tablespoon गंदुम ले लें, अच्छा, साबुत गंदुम ले लें, उसको आप तवे को धो लें, या कोई फ्राई पैन साफ सुथरा हो, नीट क्लीन हो, यानी कि उसमें कोई जरा ना हो किसी चीज का, आप 1 tablespoon गंदुम उसमें डाल के, तो उसके अंदर आप 1/2 cup पानी का डाल दें, ठीक है, और उसको स्टीम में आप रख दें, ओके, ठीक है, तो उसको तकरीबन वो 1 tablespoon के करीब पानी रह जाए, जब ठंडा हो जाए तब आपने उसको उठाना है, उसकी स्टीम बाहर नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। वो वाला जो पानी है वो अपनी आंखों में भी डालें, और वही वाला पानी जो है ना वो अपने आई जोन पे भी लगाएं, अच्छा, क्योंकि वीट जर्म ऑयल, गंदुम की कोंपलों का जो तेल है, बहुत एक्सपेंसिव है, और इस आई जोन के लिए उससे अच्छा कोई भी ऑयल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस नैया ज़िक्रिया, इतने अच्छे अच्छे आप टोटके बताती हैं, और सबसे अच्छी बात आपकी लगती है, मेरे ख्याल लोगों को भी आप इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती होंगी, हाँ, कि आप कम खर्चे के अंदर ऐसी चीज़ें बता देती हैं जो आपके घर में अवेलेबल हैं, जो कि अब बड़ी आसान आपकी ज़िंदगी हो जाती है। जी आपने देखा कि आज आँखों का, स्किन का, बालों का, तीनों इन्होंने एरियाज़ जो हैं वो कवर कर लिए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों में, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, जब तक आप अपने घर में ट्राई नहीं करेंगे तब तक कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो ट्राई करें, और फिर हमें फ़ोन करके ज़रूर बताइए कि आपके साथ क्या हुआ जब आपने ये इस्तेमाल किया। ब्रेक लेंगे यहाँ पे, और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी।
वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं. टुडे वी हैव वन ऑफ द मोस्ट गॉर्जियस एलिगेंट एंड आई डोंट नो व्हाट टू से, शी इज़ सो अट्रैक्टिव एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल दीवा ऑफ आर फिल्म इंडस्ट्री, जिन्होंने बहुत अरसा फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर राज किया. आज की बहुत सी हीरोइंस उनको लुकअप करती हैं, उन जैसा बनने की बस कोशिश करती हैं, बिकॉज वो अपनी शख्सियत में, अपने फ़न में यकता हैसियत रखती हैं. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी और ऐसी एक ऐसी शख्सियत जो ब्यूटीफुल तो हैं, बहुत खूबसूरत तो हैं, बट शी इज़ द ब्यूटी विद ब्रेन्स. वी हैव निशो बेगम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू रूज, आपने तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा कर दिया, इतनी तारीफ़ें. थैंक यू सो मच. यू डिज़र्व मोर देन दिस. और इतना जो आपका अहम किरदार रहा हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, और इतनी अच्छी अच्छी एक के ऊपर एक, और इतनी खूबसूरत अदायगी आपकी, और जो आपने काम किया, मेरा ख्याल है जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है. और पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आती कि लोग आजकल लोगों की तारीफ़ करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं. नहीं कंजूसी, आप तो बड़ी फराख दिल हैं और बड़ी तारीफ के मामले में मुझे हातमताई लगी है. नहीं नहीं बिल्कुल. अच्छा मुझे बताइए, तकरीबन 1970 से आपने अपने करियर का आगाज़ किया, और यू वेरी यंग एट दैट टाइम. और कहते हैं ना, बड़े कम लोग होते हैं जिनको इतनी छोटी उम्र के अंदर इतनी रिकग्निशन मिल जाए, जिसके बारे में उनको पता भी नहीं होता उस वक्त पे कि ये रिकग्निशन या ये शोहरत होती क्या है. दैट्स ट्रू. बहुत ये अनडाउटेडली आई वॉज़ वेरी यंग. मैट्रिक का मेरा भी एग्ज़ाम दिए थे और रिजल्ट आउट नहीं हुआ था, तो आई वॉज सेलेक्टेड एज हीरोइन इन माई फर्स्ट मूवी बाजी. बिल्कुल बाजी में. तो एकदम एक्चुअली शोहरत का जो मज़ा था वो मैंने स्कूल टाइम में, स्कूल प्लेज में हिस्सा लेके ड्रामों में, तो वो मुझे उसी वक्त मुझे पता चला कि फेम, पॉपुलरिटी, आप कोई आपकी जो एक अपनी पहचान होती है वो आपको कितनी एनर्जी देती है, और वो क्या चीज़, उसकी चाट लग गई थी, उसका एक नशा. बिल्कुल सही. आपके साथ और बहुत सी हीरोइन, सारी सुपरस्टार, सारी हसीन खवातीन, जैसे ज़ेबा भाभी, दीबा बेगम, उनकी स्माइल, मोनालिसा, शबनम थी, रानी थी, ये सारी मेरी सीनियर्स थी. नीलो बेगम, जिनसे सही मैंने इंस्पिरेशन ली, और मैं वैसा बनने की कोशिश करती थी. अच्छा. मुझे कहने में ये आर नहीं. अच्छा. बिल्कुल. तो उस वक्त ये सब रोजीना थी, वो भी शी वाज आल्सो गुड लुकिंग और बड़ी टैलेंटेड थी. आसिया थी. तो फिर मैं और संगीता बाबरा, हम लोगों का एक तो उस जमाने में अपने आप को मनवाना ऐसे बड़े बड़े नामों में, तो किस तरह से आपने उस वक्त. मैं आपसे पहले भी अर्ज़ कर चुकी हूँ कि अपने काम में फोकस करें, अपने काम को एम्फसाइज करें, अपने काम पे ही कंसंट्रेट करें. मसलन ये कॉम्प्लेक्स एक, और या एक जो प्रोफेशनल एक कॉन्शियसनेस होती है कि वो उसका रंग खूबसूरत है. संगीता का रंग बहुत, शी हैड अ फेयर, शी हैज़ अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, तो मेरा थोड़ा उस जितना नहीं था. वो अपनी आंखें, आईज मेरी तरह बनाने की कोशिश करती थी कि निशो जैसी बड़ी बड़ी आंखें नजर. मैं कहती थी मुझे वाइट पैनकेक कर दो. मैं ये होता है. सही सही. जो कुलीग्स होती हैं उसमें ऑटोमेटिकली एक, और फिर इतनी वो इमेच्योर एज थी कि उसमें ये था कि वो उसकी हाइट ज्यादा, मैं हील पहनती थी, तो ये चीजें थी. लेकिन हम लोग वो जो सॉरी टू से जो आजकल होता है एक दूसरे पे किस्म के, वो नहीं था. हम हिडन आपस में रखते थे ज़रूर, लेकिन ये था कि हम काम से बीट करने की कोशिश करते थे. अपने वो कमेंट्स और अपने स्टेटमेंट्स पेपर्स में देखे हम लोग नहीं करते थे. हम लोग चाहते थे कि हमारा काम इतना ज़्यादा हम काम पे फोकस करें और उस पर ही हम आगे चले जाएं और बाजी ले जाएं. वही बात है ना, वो बाजी वाला जो पहला जो बाजी आप बिल्कुल. मगर इसीलिए देखिए ना, उस ज़माने में, उस वक्त के अंदर जो इज्जत और मुकाम उन हीरोइंस को, उन एक्ट्रेसेस को, और आज तक वो इज्जत और वो रुतबा, वो हर चीज़ कायम है. तो वही बात है कि एक रख रखाव, फैमिली का बैकग्राउंड और वो तरबियत. अच्छा, इस वक्त हमारे पास कॉल है सलमा की बागपतन से, वो कुछ कहना चाह रही हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी, लाइन पे हैं हमारे साथ.
ड्रॉप हो गई ये लाइन। अच्छा रुच, मैं ये कह रही थी कि एक इस शेर में मैं इस चीज़ की, इस सवाल की तकमील करूँगी ज़रूर, कि राह तलब में जज्बा कामिल हो जिसके पास, वाह वाह, राह तलब में जज्बा कामिल हो जिसके पास, खुद उसको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। वाह वाह, तो मेरे साथ वही हुआ। अच्छा, ये शेर मेरे मिसदाक है। क्या बात है, और वही बात है ना, आपके साथ बात करने का मजा इसलिए आता है क्योंकि इनसे जो सवाल किया जाए वो शायरी में जवाब देती हैं। और ये तो पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक आपको, शायरी आप खुद भी करती हैं? थोड़ा बहुत, लेकिन पढ़ने का शौक आज तक कायम है, जो कि कंप्यूटर का दौर है और इंटरनेट से हर चीज़। लेकिन एक मजा है बुक्स लेके बैठना सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट, या कोई काम नहीं तो चलो अच्छी सी कोई खूबसूरत तहरीर पढ़ ली, कोई अच्छा शेर, फिर उस शेर के नशे में सारा दिन इंसान उसको रिपीट ऑटोमेटिकली आता है जहन में और ज़बान पे। सही। अच्छा, तो आपकी जो शायराना जो एक मिजाज है, कहा ये जाता है कि जो जिनका शायराना मिजाज होता है वो बड़े रोमांटिक किस्म, और हर इंसान ही अपने अपने तौर पर रोमांटिक होता है, मगर रोमांस उनकी ज़िंदगी में भरा होता है। और ज़रूरी नहीं कि रोमांस का मतलब ये हो कि कोई मर्द ही हो तो ही रोमांस होता है। मेरा ख्याल है आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसका, उसको फील करके पढ़ना भी एक रोमांस है। आपके लिए रोमांस का आइडिया क्या है? मेरे लिए भी जो आपने मुझे अभी स्टडी किया, जो आपका ओपिनियन है, बिल्कुल दैट इज़ ट्रू। लेकिन आज के इस दौर में एक पंजाबी का शेर है, गाना है बल्कि, बहुता प्यार ना करी नहीं तो रुल जाएगा। आज के दौर में नहीं, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप है, आज का दौर नहीं है। मेरे बेटे ने एक बिल्ली का बच्चा छोटा सा, उसको प्यार करता था, तो वो मेरे पीछे पढ़ने लगा। मैंने कहा नो, मेरे साथ ये इंटरेक्शन पैदा ना करना, उससे मोहब्बत का, मोहब्बत से डरती हैं आप? आज के दौर में डरती हूँ, इसलिए कि इंसान फिर मोहब्बत करके ना मोहताज हो जाता है, इन द सेंस के इंसान को फिर उसके बगैर चैन नहीं आता, अपने चैन को गुम कर देना, चाहे वो बेटी है, बेटा है, कोई और रिलेशन है, उस मोहब्बत में इंसान इस तरह स्टक हो जाता है, बाउंड हो जाता है, कि वो कहते हैं फिर वो डिप्रेशन का शिकार होता है। तो अपने इमोशंस को, इट्स अ वेरी प्रेशियस थिंग, अपने इमोशंस, दूसरों के इमोशंस। तो मैं आपको वो बलूंगड़े की बात बता रही हूँ, बिल्ली के बच्चे की, कि मैंने उसे कहा कि नहीं, खबरदार मेरे पीछे नहीं आना, चलो जाओ उधर, उधर जाके बैठो। सही। तो मैंने उसको उसी जगह ब्रेक कर दिया, वरना वो पता नहीं कहीं चले जाता, मैं उसे ढूंढती फिरती। लेकिन मैं प्यार करने वाले चले जाते हैं, फिर इंसान उसको ढूंढता फिर, तो इट्स अ वेरी डेंजरस, वेरी पिंचिंग एंड वेरी पेनफुल ऑल्सो। मगर आप कहते ये भी हैं कि जब आप किसी को ज़रा दूर करें तो वो उतनी रिएक्शन ये होता है कि वो उतनी शिद्दत से आपकी तरफ आता है। मोहब्बत के हवाले से हमें मज़ीद बात करनी है, क्योंकि मोहब्बत के हवाले से आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, ये आपकी आंखों से मुझे पता चल रहा है। ब्रेक लेनी है, और मोहब्बत जो हमारी हर इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत अहम पहलू होता है, उस हवाले से बात करेंगे और जानेंगे निशा बेगम की मोहब्बत के हवाले से आफ्टर द ब्रेक।